ઉમરગામ તાલુકાના સરીગામાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન દ્વારા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રીમતી પારોબેન પુરીને પોપટલાખા બ્લડ બેંકના સહયોગથી યોજાયેલી આ બ્લડ કેમ્પમાં મોટી સંખ્યામાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનના સભ્યોએ રક્તદાન કર્યું હતું. કંપની તરફથી આજે મેગા બ્લડ પ્રોડક્શન કેમ્પનું આયોજન કરેલું છે. એમાં અમે લોકોએ આજે અમારી ફેક્ટરીમાંથી કમસે કમ 50-55 માણસો અમે લોકો આજે આયોજન કર્યું છે. 50-55 જણા આજે અહીંયા હાજર રહેશે. અને તે ઉપરાંત આ આખા જીએડીસી સ્ટેટમાંથી પણ લગભગ અમે ટોટલ 250 બોટલનું આયોજન કર્યું છે. ટોટલ 250 બોટલ આજે ભેગી થઈ જોઈએ એના માટે. અને અમારા કંપની તરફથી મધુરા ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી અમે અવારનવાર આજે પ્રોગ્રામ કરીએ જ છીએ. અને CHSRમાં અને બીજા બધા ઘણા ગ્રામ પંચાયતમાં, શૌચાલયમાં અને ઘણી જગ્યા પર આ રીતે અમે લોકો એનું એ કરીને ડોનેશન કરી આગળ કંપનીને વધારીએ છીએ. તદુપરાંત જ્યારે બી અમારું કંઈ બી સરકારમાં અમારા હેલ્પની મદદની જરૂર હોય ત્યારે અમે લોકો ઓલવેઝ એ માટે તૈયાર રહીએ છીએ. અને આજે આ કેમ્પને સફળ બનાવવા માટે સવારથી અમે લોકો તેમજ અમારા ફેક્ટરીના બધા જ કામદારો, વર્કર્સ બધા અને સ્ટાફ મેનેજર બધા અહીં હાજર છે. અને दो सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक लाभ कमाना और दूसरा सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह. ये दोनों अगर साथ साथ चलते हैं तो वो व्यापार फलता है, फूलता है, वो विवेक फलता है. और बड़े संतोष की बात है, बड़ी सुखद स्थिति है सरीगांव में कि जैसे हमारे उद्योगपति बंधु हैं वो जिस तरह से अपने व्यापार की प्रगति में रहते हैं उसी तरह से अगर कोई सामाजिक उत्तरदायित्व की बात आती है तो सबसे आगे आगे खड़े हो जाते हैं. हमने हम यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं. अभी 7 जनवरी को हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, लेकिन वर्तमान समय में अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है और जो हमारे नज़दीकी ब्लड बैंक है वहाँ पे खून की एकदम कमी हो गई. तो अभी 3 दिन पहले हमारे पास वहाँ से मैसेज आया कि बड़ी विकट स्थिति है और हमारे पास मरीजों को देने के लिए ब्लड नहीं है. इमीडिएटली हमने हमारे एसोसिएशन में बात की और हमारे प्रेसिडेंट श्री सिरीज भाई और हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री निर्मल जी, इन्होंने कहा कि अपन एक रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे. और 3 दिन के अंदर ही हमने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर खाली हमारे दोस्तों को बोला, साथियों को बोला कि इसमें सहयोग करो. और व्हाट्सएप ग्रुप पे 100 लोगों ने और अपने डोनर्स का नाम हमें भेज दिए. और उसके साथ ही जब हमने इसके अंदर स्पॉन्सर के लिए जब मदुराई इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल लिमिटेड को कॉन्टेक्ट किया तो शहर से वो तैयार हो गए और आज के इसके कार्यक्रम में हमारे वो स्पॉन्सर हैं. तो इसके अंदर आज 200 यूनिट का हमने लक्ष्य रखा है. 3 महीने पहले ही हमने यहाँ पे किया था जिसके अंदर हमने 350 के करीब हमारा ब्लड एकत्रित हुआ था, लेकिन अब जैसे ज़रूरत पड़ गई तो ये है. और आज जो उत्साह हम हमारे साथियों का देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि जब भी कमी पड़ेगी, चाहे 2 महीने बाद ही हो, जब भी पड़ेगी तो हम छोटे छोटे कैंप करते रहेंगे और इसी तरह से मानवता की सेवा में हम हमेशा सहायता करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे. इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ हमारे जो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं और उसके साथ स्टेट के हमारे जो इंडस्ट्रियल मेंबर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, जिस तरह से वो सहयोग देते हैं, जिस तरह से मानवता की सेवा के काम के अंदर वो आगे होकर हाथ बढ़ाते हैं, वो वंदनीय है और बहुत सराहनीय है.